नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, तो इनका सवाल था कि अभी काम बढ़िया चला था, एक दो साल से थोड़ी बहुत दिक्कत इनको आ रही है, तो इनके हाथ में आगे क्या समस्या रहेगी, क्या इन्हें आगे करना चाहिए, ये सारी चीज हम इनके हाथ में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, आपके हाथ में जो शुक्रदेव की स्थिति है इस पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, ये आपको जीवन में समस्या देंगे। किस प्रकार की समस्या? ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या आती है, मित्र रिश्तेदारों से दिक्कत परेशानी व्यक्ति रहता है, उनको पैसा देकर या उनसे पैसा लेकर व्यक्ति उनसे रिश्तों में टकराव कर लेता है, ये चीज रहती है। बाकी वैवाहिक जीवन में दिक्कत मैं देख पा रहा हूँ, लड़ाई झगड़े बीच बीच में होते रहेंगे, इसके आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी। मंगल पर भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं, तो गुस्से की समस्या रह सकती है, इसके साथ साथ बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आपको बुढ़ापे में रह सकती है। और देखिए, मंगल इस प्रकार का है आपके हाथ में, तो शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। देखिए, जब मंगल पर ये रेखा होती है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं संयम की कमी भी पाई जाती है, और ये रेखा व्यक्ति को डेली लाइफ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देती है, इसी का ध्यान रखिएगा। डेली लाइफ छोटी मोटी प्रॉब्लम जीवन में आती रहेंगी। और ये देखिए, आपके हाथ में जो समस्या है वह इतनी बड़ी नहीं है कि आपको उतल पुतल जीवन कर दे या फिर आपके जीवन में बड़ा नुकसान दे दे। जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी हैं, मान सकते हैं एक हफ्ता दो हफ्ता ज्यादा ही चल गई, तो एक महीने आपको परेशान करेंगी, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करेंगी, ये अवस्था मैं आपके हाथ की देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को निष्फल भाव से मेहनत करनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना एक बात, आप अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान ना कर बैठे, ये अवस्था आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। मान के चलिए कि अगर आपके फायदे से किसी चार लोगों का नुकसान होता है तो फिर वो काम मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा की सीधी कृपा होती है। परमात्मा हमेशा चाहते हैं कि जिस बंदे को मैंने पैसा दिया है, अच्छी फैमिली दी है, वो समाज सेवा करे, दान दक्षिणा करे, और अगर आप ये काम ना कर और चार लोगों को नुकसान पहुंचाने चले गए तो फिर आपको फिर बुरा समय आने में देर नहीं लगेगी, ये चीज रहती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके फायदे से चार लोगों का नुकसान होता है तो काम मत कीजिएगा। बाकी दान दक्षिणा जैसे कार्य करके गुरुदेव की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। दान दक्षिणा कैसे किस प्रकार करना है? दान दक्षिणा के नाम पर आपको अन्नदान, गरीबों को खाने खिलाना, आप ये सोच सकते हैं कि आपकी क्षमता अनुसार जितना हो सके आप लोगों को खाने खिलाइए, आपको फायदा 100% मिलेगा। और देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने अन्नदान का काम स्टार्ट किया वो कभी गरीब नहीं रहा, भगवान ने उसे खाने को, पहनने को, रहने को सब कुछ दिया। शनि पर्वत पर सुंदर रेखा है, लेकिन शनिदेव दबे हुए हैं। शनिदेव जब दब जाते हैं तो व्यक्ति को लोन और कर्ज की समस्या रहती है। आप एक बात और नोट कर लीजिएगा, जीवन में कभी भी कैसी भी किसी प्रकार की समस्या आ जाए, कोई भी दिक्कत में आ जाए, आप कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी किसी से कर्ज मत ले लेना और लोन मत ले लेना, आपको फायदा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्ज और लोन नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे हाथ आते हैं, काफी सालों से मैं देख रहा हूँ, तो मैंने ये पाया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर पर दबाव होता है, मैक्सिमम 90% सवाल होता है कि मेरे पास कर्ज बहुत है, मैं उसको चुका नहीं पा रहा हूँ। तो जिस भी व्यक्ति का मैं शनि पर्वत दबाव देखता हूँ तो पहले एडवांस में एडवाइस दे देता हूँ कि लोन मत ले लेना। अगर लोन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, और मैंने तो लोगों को देखा हुआ है कि क्या क्या मुसीबतें आती हैं, तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ। अगर देखिए, 1,000-2,000 तो ले सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट में, लाखों या उससे ऊपर, किसी से भी, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी कितना सगा क्यों ना हो, तो लोन और कर्ज या फिर ब्याज से पैसा नहीं लेना चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन का रूल बना लीजिए, लोन और कर्ज नहीं लेना है। सेवा को दो रोटी कम खा लेना, भूखे सो जाना, लेकिन लोन और कर्ज मत लेना। बाकी भाग्य रेखा उत्तम है, तो ऐसे जैसे बताया कि दो रोटी कम खाने से नौबत कभी आने वाली नहीं है, फिर भी ऐसा एडवाइस के तौर पर मैं आपको बता दिया। अब बुढ़ापे में भी जैसा पैसा आप कमा रहे हैं ऐसा ही कमाएंगे, अच्छा पैसा बुढ़ापे में रहेगा। सूर्यदेव पर ये 4 का साइन बन गया है। सूर्यदेव की स्थिति पर जब ये 4 का साइन बन जाता है तो एट द एंड अगर व्यक्ति को सफलता मिल ही जाती है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, संघर्ष कितना भी कर ले व्यक्ति, कितने भी हाथ पैर मार ले बुढ़ापे में, चाहे सॉरी बचपन में, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना देखा हो, लेकिन इन दी एंड हैप्पी एंडिंग वाली बात हो जाती है, व्यक्ति सफल हो जाता है, व्यक्ति बुढ़ापे में अपने किए गए संघर्ष को देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है, इसी रहेगी। सूर्यदेव अच्छी अवस्था में तो सूर्यदेव को अर्घ देकर, सूर्यदेव की किरणों को सुबह सुबह महसूस कर और उगते हुए सूरज के दर्शन कर इसके प्रभाव को और मजबूत किया सकता है। सूर्यदेव अच्छी अवस्था में सुबह सुबह अगर ऐसे व्यक्ति धूप में व्यायाम लेते हैं और सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, उनको हमेशा तो फायदा मिलता है। गुरुदेव बृहस्पति पर 3 सिद्धि खड़े दिखाएं। व्यापारिक क्षमता अच्छी है, आप व्यापार के लिए बने हैं, व्यापार करके जीवन नाम इज्जत शोहरत अच्छा पैसा कमा पाएंगे, और ये जो व्यापार का लक्षण है आपके अंदर आपके बुढ़ापे तक साथ देगा, वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, संतान का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और अपनी वाणी द्वारा अपने गुरुजन एवं बड़ोजनों का मान सम्मान करेंगे, ये योग भी आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। हाथ में इस प्रकार ये धनुषाकार रेखा बनेगी, तो समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में आकर, इमोशंस में आकर, किसी की बातों में आकर गलत निर्णय नहीं लेता। आपने जब भी जीवन में आपके पास समस्या आई है, आपने राइट डिसीजन ही लिया है। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर इस पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, ये आपको हर परिस्थिति में डलने में सक्षम बनाएंगी। व्यक्ति जैसे भी लोगों में बैठता है वैसी बातें करता है, लेकिन कभी भी उनके नेचर का या फिर उनकी संगति का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देता। बाकी मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहने वाली। मनी मैनेजमेंट आप कैसा भी कर लें, अपना पैसा तो
बनाएंगे ही और उनका पैसा भी बनाएंगे इन्वेस्टमेंट करके। पैसे से पैसा बनाने वाली जो कला होती है वो आपके अंदर है। और देखिए ये कॉम्बिनेशन जब आपके हाथ में है तो व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करे स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए फायदा 100% मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट ना करे स्टॉक मार्केट में जैसे कि गोल्ड बॉन्ड, ज्वेलरी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों में फायदा मिलता है। कंस्ट्रक्शन का काम भी व्यक्ति के लिए बढ़िया रहता है और फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की उसे थोड़ी देर दुखी होता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है और कहीं ना कहीं ये रेखा जब हाथ में होती है तो अपने दुख को बुलाकर और की खुशी में खुश रहना जानता है। हृदय रेखा डेड गुरु तक पहुंची है। देखिए हृदय रेखा होती है अंतरात्मा। बहुत सारे लोग हृदय रेखा को दिल समझ लेते हैं लेकिन दिल मतलब देखिए दिल का कोई लॉजिक नहीं होता ज्योतिष में। हृदय मतलब अंतरात्मा जो इंटरनल सॉल होती है जिसको मेडिटेशन करके जाना जाता है। इंटरनल सॉल की रेखा आपके हाथ में कहाँ है? इंटरनल सॉल की रेखा निकली है गुरुदेव बृहस्पति से। यानी अब देखिए आजकल के लोग शायद समझ पाए ना समझ पाए लेकिन हर किसी का मकसद धरती पर आने का यही होता है कि वो समाज सेवा करे, अच्छे कार्य करे, अपने द्वारा अपनी क्षमता द्वारा गरीब लोगों का भला करे तो व्यक्ति का जीवन माना जाता है। लेकिन ये कार्य आजकल बहुत कम लोग करते हैं और मैं हर किसी को इस बात पर जोर देता हूँ कि अगर आपके हाथ में अच्छा समय है तो ये कार्य करके और अच्छा समय ला सकता है। अगर बुरा समय चला है तो ये कार्य करने ही पड़ेंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको महीने में 2 बार अन्न का दान करना ही करना है। चाहे समस्या आए ना आए इसको आदत बना लीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आप गरीबों को जो शहर के साइड में बस्ती होती है वहां जाकर जिनके खाने का कोई सहारा नहीं होता उनको जाकर खाना बांटिए। महीने में 2 बार, साल में 2 बार वस्त्र दान कीजिए। जो आपके घर के पुराने वस्त्र होंगे जिन्हें आप रिटायर करने वाले उनको जरूरतमंद को जाकर पहना दीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सीधी जा रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बिल्कुल मंगल तक पहुंची है। मस्तिष्क रेखा जब इतनी सीधी होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला जहां लॉजिक लगा देना सफलता मिल जाती है। दिमागी स्तर बढ़िया रहता है और दिमाग के तौर पर व्यक्ति बड़ी सफलता को अर्जित करता है और दिमागी तौर पर व्यक्ति काफी संकटों को टाल देता है। ये चीज रहेगी दिमागी स्तर जीवन हमेशा बढ़िया रहेगा और लोग आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और डिप्रेशन स्ट्रेस में जाना ऐसी परिस्थिति हाथ में नहीं रहेगी। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा यहाँ पर बंधन योग लगा हुआ था लेकिन खुल गया होगा, अभी खुल चुका है आपके हाथ में। तो जीवन भाग्य आपको थोड़ा लेट मिला होगा, बस में संघर्ष रहा होगा और पैसा कमाने की स्थिति जो है वो भी जीवन में थोड़ा लेट बनी होगी, मान सकते हैं काफी लेट बनी होगी। लेकिन जो अच्छी इनकम रही होगी वो आई होगी आपके जीवन में 28 की उम्र के बाद ही, उससे पहले कमा रहे होंगे। लेकिन जो स्टेबिलिटी है, जो अच्छा काम है, जो बिल्कुल मान सकते हैं महीने के लाखों वाली बात, वो 28 के बाद या उसके और बाद आई होगी। बाकी जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है। जीवन रेखा पर राहु रेखा का ना होना बहुत अच्छा शुभ योग माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए अगर जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है तो व्यक्ति को जीवन बड़ी उठापटक नहीं होती। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कोई ज्यादा बीमार पड़ गया, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आ गई, कुछ ऐसा काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल साधारण जीवन रहेगा, जैसे सबका भी इतना ऐसे आपका जाएगा, बड़ी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ी बहुत राहु रेखा इसके आपको उपाय मैं दे दूंगा। भाग्य रेखा आपकी मजबूत है। बड़ा कोई नाम खराब होने के कोई संकेत नहीं है, बड़ा कोई नुकसान होने के कोई संकेत नहीं है। साल 2 साल के लिए मान सकते हैं बंदी आ सकती है लेकिन बाद में फिर तेजी आ जाएगी क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है और बाद में जो आपकी भाग्य रेखा अंततः शनि तक पहुंच रही है, सूर्य पर फोर्क है, यानी संघर्ष कितना ही करवा लो अंततः आगे सफलता मिल ही जाएगी। तो यही चीज आपके हाथ में रहेगी। मंदिर चल रही चलती रहेगी, उपाय करने पर ही मंदिर भी चली जाएगी। और वैसे मैं आपके हाथ में देख नहीं पा रहा कि कोई बड़ी मंदिर चल रही होगी। काम आपका भी ठीक ठाक चल रहा होगा, आगे ठीक ठाक चलता रहेगा। आपको इस रेखा ने हल्का सा परेशान करा होगा कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से कटी है। तो ये जो आपका करंट टाइम है इसमें भी भाग्य रेखा कट रही है। आने वाले 2 से 3 साल तक आपको थोड़ा नुकसान और झेलना पड़ सकता है लेकिन उसके बाद तुरंत भाग्योदय, तेज भाग्योदय और मान सकते हैं ये जब भाग्य रेखा आपका साथ देगी तो जीवन में जो स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। देखिए आपके हाथ में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाए, चौपट हो जाए, कुछ नहीं है। मंदी चलेगी, उसको काबू जल्दी कर पाएंगे आप। आपके साथ चंद्रदेव है, चंद्रदेव पर देख पा रहा हूँ चंद्रदेव अच्छी अवस्था में। ये जब चंद्रदेव होते हैं तो व्यक्ति के मन में शांति होती है, व्यक्ति के जो विचार होते हैं शुद्ध होते हैं, विचारों में शुद्धता होती है, स्त्री जाति के संबंध बढ़िया होते हैं, मन में शीतलता चंचलता होती है, गुस्से पर पूरा काबू रहता है। जो भारी मंगल है, भारी मंगल दिख नहीं रहा लेकिन ये भी अच्छी अवस्था में ही होगा। पराक्रमी है स्वभाव से, जीवन की हर परिस्थिति से लड़ना जानते हैं, गुप्त शत्रु कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं आने वाले। के साथ साथ जब ये भारी मंगल होता है क्योंकि स्वभाव से पराक्रमी होता है, जीवन की हर समस्या को हंसकर काटना जानता है। व्यक्ति की फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी अच्छी होती है, हमेशा अजनबी को पहली बात पर अपना प्रभाव छोड़ देना ये चीज रहती है। फर्स्ट मीटिंग में ही अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ देना, ये वाली बात जो एक मान सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात होती है वो छोड़ पाते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, अपनी बातों से लोगों के ग्रुप को प्रभावित कर पाते हैं। एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे स्पीकर व्यक्ति रहते हैं। इसके साथ साथ देखिए आप कहते हैं मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, ये थोड़ा मजबूत नहीं है। जब मजबूत बन जाएगा तो वो 3 शुभ परिणाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मनी ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास 3 चीजें, अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग। एक कंप्लीट फैमिली मैन को, एक कंप्लीट आदमी को 3 चीजें चाहिए होती हैं, अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमागी स्तर। 3 अच्छी आपके जीवन में रहेंगी, ये आगे चलकर मजबूत हो जाएगा। तो संतान द्वारा पूरी सेवा रहेगी, पैसे का सदुपयोग उपयोग रहेगा, पैसे से पैसे बनाने की कला रहेगी, पैसे को इन्वेस्टमेंट करके बड़ा फायदा मिलेगा, बढ़ावे में आर्थिक तंगी बिल्कुल नहीं आने वाली, जिसे हम फाइनेंशियल तंगी कहते हैं वो नहीं आने वाली। हेल्थ लाइन्स भी है तो बिजनेस करके ही जीवन अच्छा लाभ कमा पाएंगे। और आपके हाथ में राहु रेखा नहीं है तो बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली किसी प्रकार की। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है,
आपके पंखेड़ ये थी कि आपके जीवन में कैसी बड़ी समस्या मैं देख ही नहीं पा रहा, आपको क्या करना है, आपको जो अच्छे समय के लिए और अच्छे समय के लिए जीवन में जो आपका अच्छा समय चल रहा है उसको और बढ़िया करने के लिए दिन में अगर 100 रुपए कमाते हैं 10 रुपए का कुछ खरीद के गरीब को खिला दीजिए, नहीं खा सकते तो गरीब घर से बनाकर ले जाइए, लेकिन अनुदान आपको करना ही करना रहेगा। क्या कैसे किस प्रकार करना है मैं आपको वीडियो में पर्सनली व्हाट्सएप समझा दूंगा। तो मुझे आपको उपाय किस किस चीज देने देंगे, मुझे आपको उपाय देंगे छोटी छोटी राहु देखोगे शनि के, बस इसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं है, कैसी भी कोई समस्या नहीं है, जो है सब बढ़िया है, ये उपाय कर करके अच्छा लाभ मिल जाएगा। और इस व्यक्ति को एकादशी व्रत स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज के समय में एकादशी व्रत कोई नहीं रखता, और ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये व्रत भी रख लिया जाए तो भाग्य तो अपने आप हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप एकादशी का व्रत रखना शुरू करें, और ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से सुना एक दो महीने करा बाद में छोड़ दिया, नहीं, एकादशी का व्रत आपको हमेशा के लिए रखना ही होगा। देखिए एकादशी का व्रत जो होता है महीने में 2 बार आता है, तो ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, अगर 15 दिन में अगर भूखे रह लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और हमेशा आपको रहना ही पड़ेगा। गलती से छूट जाए कोई बात नहीं, शुरू में तो छूटेगा ही। तो मैंने सारे आधे ज्यादा उपाय तो वीडियो में बता दी, जो बचे उपाय मैं आपको व्हाट्सएप बता दूंगा, आप मुझे लिख दीजिएगा कि इस चीज को उपाय बताइएगा, आपको फायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट करे जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।